हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इज वेलकम बैक टू आर अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह सुबह मुंबई का अपडेट बता रही हूँ मैं जैसे मैं रिपोर्टर बन गई हूँ। अभी सुबह सुबह बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही थी, बट अभी हम लोग का ऑफिस यही बगल में है, तो मेरे को पता ही नहीं रहता कि मम्मी कहाँ बैठती है। मम्मी बोली मैं यहाँ बैठती हूँ जितना देर तुम्हारा वेट करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, संचिता बासु इस टाइम पर मुंबई में हैं और उन्होंने अभी अभी एक न्यू ब्लॉग अपलोड किया है। अगर वो ब्लॉग अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम भी देखते हैं इस ब्लॉग को, जिसमें संचिता बासु बहुत ही मस्ती करने वाली हैं और किस तरीके से अपनी मम्मी के साथ मस्ती करेंगी और किस तरीके से अपनी मम्मी को पार्लर पर ले जाकर उनकी कटिंग कराएंगी, सैलून पर सारा सिस्टम आप इसमें देखेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो मम्मा का हेयर कट करवा के आ जाते हैं। नीचे दिन रात जो हम लोग की सोसाइटी के बच्चे हैं ना, इतना क्रिकेट खेलते हैं, पूछो मत, हमेशा शोर होते रहता है। अभी तीन तो यहाँ तो अल्लाह हो गई, अभी भी खेल रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक ये लोग क्रिकेट ही खेलते रहते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आता कभी कभी सोसाइटी में कितने बच्चे हैं। बच्चे के बारिश भी होता है बचपन में, आप भी तो खेलती थी, क्रिकेट बंद ही नहीं होता। तो दिस इज लाइक तो बच्चे हैं भाई, खेलेंगे तो फ्रेश होते हैं। चलो बाहर चलते हैं। सो गाइस, मैं रेडी होके निकल गई अपने नीचे गेट पे। वाओ क्या लुक है यार, मेरी मम्मी भी रेडी हो गई है। उसको वाइट वाइट बाल आने लगे छुपाने के लिए, इसे ब्लैक ब्लैक करने के लिए मम्मी पार्लर जा रही। तुम बताओ, मजाक उड़ा रही अपनी मम्मी। चल तो गाइज, आज शनिवार है, मेरा ब्लैक ड्रेस, मेरा ब्लैक छाता बहुत बेहतरीन लग रहा है ब्लैक में। शनिवार को ब्लैक पहनने का इतना है कि ब्लैक कपड़ा भी है, ब्लैक छाता भी है और मेरी मम्मी रेड छाते में जा रही है। आप सभी बताओ कैसी लग रही संचिता बसु आज ब्लैक ड्रेस में। सो हम लोग निकल गए हैं, बट यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हमेशा ही होती रहती है, ऐसा कोई समय नहीं है जब बारिश नहीं होता है। सो ब्लैक कपड़े संचिता पे जचते हैं वैसे। तो पहले आए हम लोग जूस पीने के लिए, क्योंकि मेरा वाह जूस चलेगा भैया, ऑरेंज जूस। और मैं रोज मारो मारो घुमाओ जता घुमाओ। सो मम्मा और हम दोनों ऑरेंज जूस पीने आ गए। पियो भैया ऑरेंज जूस, पियो भाई खाओ। मिलाने के लिए यार। सो हम लोग पार्क आए हैं, क्योंकि मैं जितना देर ऑफिस में प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं कभी ये पार्क आई नहीं। मम्मी बोली चलो तुमको पार्क दिखाते हैं, जहाँ हम बैठते हैं। हम लोग का ऑफिस यही बगल में है, तो मेरे को पता ही नहीं रहता कि मम्मी कहाँ बैठती है। मम्मी बोली मैं यहाँ बैठती हूँ जितना देर तुम्हारा वेट करती हूँ। सो हर जगह घूमने के बाद हम लोग पहुँच गए जहाँ हम लोग को एक्चुअली आना था, रूट टचअप करवाने के लिए। सो मम्मी का रूट टचअप का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है फटाफट फटाफट, जितना फटाफट इसमें दिख रहा होता फटाफट हुआ नहीं था, बहुत देर लग गया था। और मम्मा मुझे बोल रही थी प्लीज़ मेरे को रिकॉर्ड मत करो, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, पर मैंने कर लिया। खतरनाक जितना मीठा उतना दिखेगा। अपनी बेटी को खतरनाक बोल रही है। क्या पे इतने सारे ऑप्शन थे, लेकिन मम्मी मेरे को बोली क्या जितना चुप रहते हैं उतने खतरनाक है और जितना मीठा बोलते हैं उतने बड़े धोखेबाज होते हैं। सही बात है, माँ मेरे बारे में ऐसा सोचती है, बहुत चुप रहती है, इसीलिए चुप रहते हैं तो खतरनाक तो खतरनाक तो है। और मम्मी ज्यादा बात नहीं है, नखड़ा वाली है, जो जितने बात नहीं उतने सच्चे होते हैं। अपने आप को सच्चा और हमको धोखे पास बता रही कलयुग की माँ यही। कलयुग की माँ। आखिरकार इतने देर के बाद 10 बज रहे हैं और मम्मा का हेयर वॉश हो गया और हम दोनों में से किसी में एनर्जी नहीं था कि घर जाके खाना बनाए। अच्छा। इसलिए हम लोगों ने बाहर खाना खाया।
बाहर हमारा डिनर हुआ और वहाँ मिले हमारे बिहार के प्यारे प्यारे भैया। और जहाँ हम लोग डिनर करने गए थे वहाँ बहुत सारे थे जो बिहार से थे। सही बात। दिखाइए भैया वो भी हम लोग के व्लॉग में। थैंक यू भैया, शर्मा रहे। इसलिए मैं बार बार यहाँ आती हूँ। मैं कलिंगा रेस्टोरेंट से अनिल सिंह और संचिता मैम, जिनका ब्लॉग मैं हर एपिसोड देखता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा ब्लॉगिंग करते हैं। जब हैदराबाद में साउथ इंडियन फिल्म का शूटिंग चल रहा था तभी भी मैं हर ब्लॉग देखता था, और अभी भी मुंबई में और कलिंगा रेस्टोरेंट में आके बहुत ही अच्छा खाना पसंद करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे आने के लिए, और थैंक यू आप लोग जो यहाँ पे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपसे मिली। और अभी लग रहा हम लोग मुंबई में, हाँ लग रहा बिहार में, हम बिहार लोग बिहार ही एक जगह सही में। जब अपने कोई मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा गाइज, हम लोग का आज का दिन हुआ ख़त्म। मैं थक गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मुझे ऑफिस नहीं जाना था, आज मेरा कोई काम नहीं था, तो पूरे दिन हम बाहर ही रहे। मम्मा का हेयर स्पा हो गया आज, डे आउट विद माँ था आज। और हम लोग बाहर खाना भी खाए, फुल मस्ती की। अभी वहाँ बैठ के विक्स ढूंढ रही है, क्योंकि बिना विक्स लगाए मेरी माँ को नींद नहीं आता है। सो आज उनको विक्स नहीं मिल रहा, तो उन्हें ढूंढने दो, लगाना भी चाहिए। तो हम लोग मिलते मम्मी के पीछे पड़ी रहती है, तो आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि अभी ऑलरेडी रात के 12 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ सोने में, सुपर थक चुकी हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड आई लव यू ऑल सो 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 मच। होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ओके, प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो मच्छर काट लिया भाई, मच्छर काट लिया, क्या बोल सकते हैं। तो चलो बाय, हैव यू गुड नाइट। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और ये संचिता बासु का व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। गाइज, अगर आप इस पूरे व्लॉग को देखना चाहते हैं तो आप लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्लॉग है और बहुत बड़ा व्लॉग है ये। हमने थोड़ा व्लॉग आपको इसलिए दिखाया कि आप जाकर जल्द से जल्द देख सकें, आपको इंटरेस्ट आए देखने के लिए। तो जाइए और इस व्लॉग को देखिए और संचिता वासु को अपना प्यार जरूर दीजिए। तो जाइए और जाकर संचिता को अपना प्यार जरूर देना है।